नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। आज गढ़वा जिला में INDIA गठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं ने मणिपुर राज्य में विगत 3 महीनों से जारी जातीय हिंसा पर हस्तक्षेप करते हुए हिंसा पर रोक लगाने एवं शांति व्यवस्था बहाल करने तथा तत्काल मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने को लेकर गढ़वा समरणालय पर आक्रोशपूर्ण धरना दिया। INDIA गठबंधन के सभी दलों ने यह कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार मार्गदर्शक बनी हुई है तथा अब तक मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा को रोकने में पूर्णतः नाकाम रही है। मणिपुर में भीड़ द्वारा महिलाओं को नंगा कर उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करने का शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश शर्मसार हुआ। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि जातीय हिंसा के कारण सैकड़ों आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी एवं हजारों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार द्वारा संसद में मणिपुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं की जा रही और ना ही हिंसा रोकने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है। साथ ही INDIA गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से गढ़वा समरणालय में 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में भाकपा माले के एपवा नेत्री सुषमा मेहता, राहिना बीबी, भाकपा माले जिला सचिव कालीचरण मेहता, वरुण बिहारी किसान महासभा के अध्यक्ष लालमुनि गुप्ता, RJD के प्रदेश महासचिव जमरुद्दीन अंसारी, RJD के प्रदेश सचिव मकबूल अंसारी, धर्मराज राम, कांग्रेस के अरविंद तूफानी, आशिक अंसारी, GMM से रेखा चौबे, मनोज ठाकुर, अशरफी राम, दीपमाला, मुक्तेश्वर पांडे, संजय सिंह, आप पार्टी से धर्मेंद्र सिंह, RJD के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओबैदुल्लाह हक अंसारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता GMM के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने की। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। समाज का मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह के इशारे पर
सकते कितने से लड़ा समाज में बैठे। हम बात कर रहे हैं मणिपुर और मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए, अन्यथा जो इंडिया मोर्चा पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बना है, हम लोग उसके साथ आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे और इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही केंद्र की मोदी की सरकार की होगी। आप सभी जानते हैं कि कैसे इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत माता की जय, परवाह करके उसी भारत माता को नंगे किया जाता है, उसी बेटियों को बलात्कार किया जाता है, उन्हीं बेटियों का यौन शोषण किया जाता है, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे उत्तर उत्तराखंड की घटना हो, चाहे दिल्ली की सड़कों पर घटना घट रही है। ये तमाम जगहों के लोग जो लगातार भाजपा एक उन्मादी जो पार्टी है और इनका जो संगठन आरएसएस बजरंग दल और भीम जैसे लोग, इनका उदंडता छात्र संगठन एबीवीपी के लोग अभी फिलहाल में ही पटना में छात्रों पर जानलेवा हमला किए। आपको मैं बता दूं कि आज एक अगस्त है और क्रांति की शुरुआत जंतर मंतर से नौजवानों ने शुरू कर दिया है। आज लाखों की भीड़ में लोग जंतर मंतर पर जुटे हैं कि यहाँ की महिलाओं को सम्मान दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, महंगाई पर लड़ाई लड़ो, किसानों को खाना बीज और मुफ्त में बिजली मुहैया करो। तमाम सवालों को लेकर लाखों लोग आज जंतर मंतर पर भिड़े हुए, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार बहुत आराम से कह रही है उनको संसद में बुलाया जा रहा है, सभाएं चल, संसद सत्र चल रहा है, उनको बहस करने के लिए बुलाया जा, उनके पास मौका नहीं है। उनकी जो महिला नेत्रियां है, भाजपा की जो महिला सांसद है, अगर गायब पर जाती है तो पूरा साड़ी उठा करके पूरा संसद भवन में हंगामा करती, लेकिन जब हमारी बेटियों को नंगा किया जाता है, हमारी माँ बहनों को नंगा किया जाता है, तो उनके मुंह में ताला लग जाता है, मकलम आ जाता है, एक शब्द नहीं बोलने जाता है। ये तो हुई वहां की बात। हम जिस जिला में है, हम जिस जिला मुख्यालय में रह रहे हैं, अपनी बात को रह रहे हैं, इसी मुख्यालय का एक भवनापुर विधानसभा मैं देख रही थी, विधानसभा सत्र चल रहा है और यहाँ के विधायक जो भानु प्रताप शाही है कहा करते थे कि घूस मांगे तो घुसा मारो, नहीं मांगे तो जूता मारो, और ये जिस दल से जीत करके गए थे और कहे थे कि मैं मरूंगा, मैं चाय खा जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज उसी भाजपा के साथ टूपी लगा रहे हैं और मणिपुर की घटना पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, बल्कि वो बातें ला रहे हैं छत्तीसगढ़ राजस्थान और कह रहे हैं कि हेमंत सरकार जवाब दे। हेमंत सरकार ने यहाँ की बहु बेटियों के लिए जो योजना चला रखी है तुम्हारे केंद्र की सरकार उसमें सहमत नहीं, क्या कहना। हम कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, इंडिया सरकार की जो मांग है, इंडिया सरकार इंडिया मोर्चा ने जो बनाया है, इस मोर्चा के तहत ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, बल्कि इस मोर्चे में जितने लोग शामिल है, अगर ईमानदारी है तो जनता की लड़ाई के लिए, बेटी की लड़ाई के लिए, माँ बहनों की लड़ाई के लिए आपको आगे आना होगा। मात्र फोटो खिंचवाने से हम लोगों को कुछ नहीं होगा, भाषण देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करो और अपनी अपनी बहु बेटियों के लिए ही नहीं बल्कि नए समाज के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना होगा इंडिया मोर्चा के तहत। साथियों, मैं अपनी बात को अंत करने से पहले कहना चाहूंगी कि ये जो वस्त्र है जो हम तमाम लोगों के शरीरों पर है, इन वस्त्र के पीछे हम तमाम लोग नंगे, लेकिन ये वस्त्र आज हमारे शरीर से उतार दिया जा रहा है। ऐसा हिटलर शाही अंग्रेज के जमाने में भी नहीं हुआ था, राजा महाराजाओं के समय में भी नहीं हुआ था, इसलिए आज मोदी सरकार के इशारे पर जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां हमारी बहु बेटी माँ बहने
गीतांश टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।